गुड मॉर्निंग। आज समास में हम तत्पुरुष समास का ही एक भाग मध्यम पदलोपी समास के बारे में देखेंगे। क्या है मध्यम पदलोपी समास? मध्यम पदलोपी समास, इस समास की परिभाषा देखें तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच संबंधित पदों को लोप किया जाता है। और विग्रह के समय इन्हीं पदों को शामिल किया जाता है। देखें मध्यम पदलोपी समास, तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच संबंधित पदों को लोप किया जाता है, लोप मतलब अदृश्य, निकाल दिया जाता है, और विग्रह के समय उन्हीं पद मतलब जो पद को निकाला गया है वही पदों को फिर से शामिल किया जाता है, तब यह मध्यम पदलोपी समास बनता है। जैसे कि इसके दृष्टांत है, पद यात्रा, देखिए एक दृष्टांत है पद यात्रा, इसका विग्रह होता है पैरों से चलकर की जाने वाली यात्रा। देखिए पद यात्रा एक समस्त पद है, मध्यम पदों की समास है, इसका विग्रह है पैरों से चलकर की जाने वाली यात्रा। देखें यहां ये मध्यम पद है, ये मध्यम पद को शामिल किया गया है, समस्त पद में यह लुप्त है, ये मध्यम पद के बिना यह समस्त पद का सही अर्थ या सही शब्द मालूम होता नहीं। इसका सही विग्रह करने के लिए ये मध्यम पद से चलकर की जाने वाली यह शब्द इसके अंदर शामिल किया जाता है, तो ऐसे समास को मध्यम पदों की समास कहा जाता है। दूसरा पद है देखिए सिंहासन, सिंह की आकृति वाला आसन। देखिए सिंहासन से की आकृति वाला आसन, इसके अंदर मध्यम पद विग्रह करते समय इसके अंदर शामिल किया गया है, ये मध्यम पद के बिना इसका सही सही अर्थ या मालूम नहीं होता, इसलिए विग्रह करते समय आकृति वाला आसन व मध्यम पद के लिए लगाया जाता है। तीसरा है उदाहरण आकाशवाणी, आकाश से की गई
मान लीजिए इसके अंदर भी मध्यम पद लगाया है और इसके बिना इसका सही विग्रह हो सकता नहीं, तो आकाशवाणी आकाश से की गई वाणी यह समस्त पद के अंदर से की गई ये नवीन पद विग्रह करते समय इसके अंदर शामिल किया गया है। एक मध्यम पद के बिना इसका सही विग्रह हो सकता नहीं। यहां लिखा भी है कि मध्यम पद रूपी दो पेटत्र पद के अंदर से मध्यम पद है वह निकाल दिया जाए और वह जो समस्त पद बनता है वह मध्यम पद रूपी समास और विग्रह करते समय यह मध्यम पद इसके अंदर जोड़ा जाता है। देखिए इसके और दो तीन दृष्टांत हम देखते हैं। पर्णों से बनी कुटी प्रेमालिंगन प्रेम से पूर्ण आलिंगन और वन फूल वन में खिलने वाले। देखिए पर्ण कुटीर पर्णों से बनी कुटीर प्रेमालिंगन प्रेम से पूर्ण आलिंगन वन फूल वन में खिले खिलने वाले फूल तो मध्यम पद के बिना एक समस्त पद का विग्रह हो सकता नहीं, इसलिए हम उसको मध्यम पद रूपी समास करते। तो देखें आज हम यहाँ समास समाप्त करते हैं। देखें हमने जितने समास देखे इसके बारे में हम थोड़ा परिचय दे देते हैं। तो ये इसका पूरा होता है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि समास किसे कहते हैं, तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त करने की रचना विधि। और ये समस्त पद को जो समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा हम उसको अलग करते हैं उसे हम विग्रह करते हैं। समास के प्रकार के बारे में देखा जाए तो इसका पहला प्रकार हमने देखा था द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का मतलब जिसके अंदर पूर्व पद और उत्तर पद मुख्य होते हैं, दो संज्ञाएं होती हैं, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है और समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या के द्वारा हम उसका विग्रह कर सकते हैं। इसके तीन प्रकार देखे थे हमने, एक इतरेतर द्वंद समास, दूसरा था वैकल्पिक द्वंद समास और तीसरा था समाहार द्वंद समास। जैसे कि माता और पिता, भाई और बहन, भला या बुरा, ऊपर और ऊपर या नीचे, राम और कृष्ण, या द्वंद समास के उदाहरण थे। इसके बाद हमने दूसरा समास देखा था द्विगु समास। या द्विगु समास के बारे में देखा जाए तो जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है या परिमाणवाचक होता है इसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिसके दृष्टांत हमने देखे थे नवरात्रि, सप्ताह, पंचवटी, चौराहा, त्रिवेदी, चतुर्भुज, ऐसे दृष्टांत हमने यह द्विगु समास के बारे में देखे। इसके बाद हमने कर्मधारय समास देखा था।
तो कर्मधारय समास के अंदर हमने बताया था कि जिसका पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो। कभी कभी पूर्व पद विशेष्य होता है और उत्तर पद विशेषण होता है, तब यह समास बनता है। उपमेय उपमान अथवा उपमेय उपमेय उपमान अथवा उपमान उपमेय से भी यह समास बनता था। तुलना दर्शक शब्दों से यह समास बनता था, जैसे कि महात्मा महान आत्मा, पीताम्बर पीला वस्त्र, श्वेतांबर श्वेत अंबर, ऐसे नील गाय नीली गाय, ऐसे दृष्टांत हमने इसके अंदर देखे थे। तो एक कर्मधारय समास था। इसके बाद हमने अव्ययी भाव समास देखा था। तो अव्ययी भाव समास के अंदर जिसका पूर्व पद मुख्य होता है और उत्तर पद वह अव्यय होता है, जी समस्त पद एक अव्यय के रूप में जिसका उपयोग होता है, अव्यय के जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता, काल लिंग इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। इसके दृष्टांत भी हमने देखे थे, बेभाव बेकाम अनाथ यथार्थ। कभी कभी शब्दों की द्विरूपति से भी यह समास बनता था, रोज रोज दिन दिन रातों रात भारम भाग भागम भाग, ऐसे शब्दों से भी यह अव्ययी भाव समास बनता। इसके बाद हमने बहुव्रीहि समास देखा था। तो बहुव्रीहि समास के अंदर पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी पद मुख्य होता नहीं, लेकिन यह पद किसी भिन्न संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे कि चक्रपाणि, चक्रपाणि पाणि मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र है वह, तो यह शब्द भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार सुलोचना, सु एटले सुंदर, लोचन जिसके लोचन सुंदर है वह सुलोचना। तो ये शब्द हम ये भी बता दें कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब यह पता चलता है कि यह बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। पीताम्बर यह कर्मधारय समास भी है, पीताम्बर पी कहते पीला, अंबर मतलब वस्त्र, एक कर्मधारय समास भी है, क्योंकि पहला विशेषण है और अंतिम विशेष है। लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त तो होता है, पीताम्बरधारी ने द्रौपदी के चीर पूरे, तो ये पीताम्बरधारी कौन है, तो कृष्ण, तो ये कृष्ण का विशेषण है। श्वेतांबर श्वेत सफेद, अंबर एटले वस्त्र, तो एक कर्मधारय समास है। लेकिन श्वेतांबर जैन उपवास करते हैं, तो जैनों का विशेषण है श्वेतांबर, तो ये बहुव्रीहि समास बोला जाता है। इसके बाद हमने एक समास देखा था तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के अंदर कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण, इन विभक्तियों से यह समास बनता है। हमने ये भी बताया था कि कर्म की विभक्ति को है, करण की विभक्ति से है, संप्रदान की विभक्ति के लिए है, अपादान की विभक्ति से है, संबंध की विभक्ति का के की, और अधिकरण की विभक्ति विभक्ति कारक है में। और इसके आधार पर हमने दृष्टांत में देखे थे कि राजकुमार राजा का कुमार, राज सिंहासन राजा का सिंहासन, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, विद्यालय विद्या के लिए आलय, कर्म निष्ठ कर्म में निष्ठ, ऐसे तत्पुरुष समास के दृष्टांत में देखे थे। और आज के तत्पुरुष समास का एक दूसरा भी प्रकार हमने देखा था, उपपद समास, उपपद तत्पुरुष समास, जिसके अंदर
दूसरा पद है वह कुदंत होता है, गिरिधर गिरी को धारण करने वाला, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला, ऐसे पद हमने देखे थे ये उपपद समास के अंदर। और आज हमने देखा ये मध्यम प्रकृति समास कि जिसका मध्यम पद लुप्त कर दिया जाता है, जैसे पर्ण कुटीर पर्णों से बनी कुटीर, घोड़ा गाड़ी घोड़ा से चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो ये मध्यम पदलोपी समास है। आज हम ये समास यहाँ पूर्ण करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा आपको स्वाध्याय देते हैं। आप अपनी नोटबुक में यह समास के प्रकार इसका विग्रह करके अवश्य लिखें। निम्नलिखित समास के प्रकार विग्रह करके लिखें। दुरात्मा बेवफा छमाही गंगा यमुना चंद्रमुख घड़ी घड़ी मीनाक्षी ध्यान मग्न नवरस मुरलीधर काकुरुष कर्मवीर अकारण अपना पराया पटवारा पीतांबर प्रतिमास प्रेमालिंगन पंचमदन देवासुर लाभानी मनोहर प्रज्ञाचक्षु आकाश देखे फिर से बोलते हैं। दुरात्मा बेवफा छमाही गंगा यमुना चंद्रमुख घड़ी घड़ी प्रज्ञाचक्षु आकाशवाणी मृग शिशु मीनाक्षी ध्यान मग्न नवरस मुरलीधर कापुरुष कर्मवीर आकरण आकारण अपना पराया अठवाड़ा पीतांबर प्रतिमास प्रेमालिंगन प्रेमालिंगन पंचवदन देवासुर लाभ हानि और मनोहर, ये सारे समास हैं, समस्त पद हैं,
इसका विग्रह करें और बाजू में इसका प्रकार लिखें। थैंक यू।